उसका सॉल्यूशन आपको फॉरवर्ड कर देगा, जो टेस्ट नंबर बोलिए उसका सॉल्यूशन शिवा या ज्योति मैम जो है वो टेस्ट का आपको सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर देंगे। रिटर्न सॉल्यूशन है जो टाइप हो रहा है, तो हो सकता है टाइप होने में टाइम लगेगा तब अपलोड होगा, बाकी रिटर्न सॉल्यूशन है। कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको बताइए, अभी कहाँ से स्टार्ट करें, कोई भी क्वेश्चन नंबर बोलिए जो आप। सेकंड सेकंड वाला पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ जी, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल है मैक्सिमम ऑफ जी एक्स के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि कोई भी दो फंक्शन ले लो एफ जी 0 से 1 में, एफ एक्स का मैक्सिमम और जी एक्स का मैक्सिमम इक्वल है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगा। तो एक तो सबसे आसान एग्जाम्पल ये समझ आता है कि अभी मैं अगर एफ एक्स और जी एक्स को दोनों को एक्स मान लूँ तो क्या होगा। मान लो अभी के लिए एक एग्जाम्पल है ना ये ट्रू, कि दोनों को मैं एक्स मैक्सिमम मान दोनों लेता का हूँ, वन वन हैं वन नहीं नहीं 1 1 नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर एफ एक्स को एक्स और जी एक्स को एक्स ले ले, क्या ये सुटेबल एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के लिए। अरे भाई एफ एक्स और जी एक्स अगर इक्वल फंक्शन यस है सर सुटेबल है ना ये, तो ये यस ऑब्वियसली सर ऑप्शन बी और सी को डिस्कार्ड नहीं कर देगा। अगर एफ एक्स जी एक्स इक्वल है बी सी डिस्कार्ड होगा कि नहीं होगा। लेकिन इक्वल तो दिया नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स है ना। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करोगे तो पूरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ इक्वल लेंगे तो सर वो बी से डिस्कार्ड हो गया। ये चीज़ है, सो उस तरह से है। और बाकी अब आप इसमें कहीं ना कहीं वो मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा है, सो मैक्सिमम एफ एक्स का इक्वल है मैक्सिमम जी एक्स के, एक्स 0 से 1 में कुछ भी ले लो तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है। जैसे अभी के लिए मैं बोल दूं कि एफ एक्स को एक्स लो और दूसरे को 1 माइनस एक्स लो तब भी काम हो जाएगा। अब एफ एक्स को एक्स लो और जी एक्स को 1 माइनस एक्स लो तो क्या होगा। तो ये तो ऑब्वियसली हमेशा इक्वल रहेगा, कैसे आप चेक करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं ना ये ऐसा कर रहा है, दे आर टेकिंग अ न्यू फंक्शन एच एक्स एज, क्या फंक्शन ले रहा है ये। ए वाले पार्ट में अगर आप बात करेंगे डिफरेंस ले लीजिए क्या आएगा, क्या फंक्शन ले रहा है ये। सर एक फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर ऐसे करके दो पाराबोला दे सकते हैं। नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसा फंक्शन लोगे जो मैक्सिमम वैल्यू सेम आएगी, तो ऐसा फंक्शन कंसीडर। एक तो डोमेन 0 से 1 में होनी चाहिए पहली बात, आपको मीन वैल्यू थ्योरम पता है, यस सर रोल्स थ्योरम, तो यस कहीं ना सर कहीं उससे ही आ रहा है ना। तो ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, और कह रहा है एफ एक्स का मैक्सिमम जी एक्स के मैक्सिमम के इक्वल है और डोमेन इसका 0 से 1 में है, तो कोई भी दूसरा फंक्शन बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन 0 से 1 है इसका, सर कोई भी फंक्शन बना सकते हैं जिसको 0 से 1 में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हाँ और बताओ मुझे कोई दो दो फंक्शन बताओ। जैसे इसमें ना रोल्स थ्योरम मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन में क्या किया है, एक एच एक्स कोई फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, जैसे ये किसको डिफरेंशिएट करके ये लाएगा, डिफरेंस ले लो एफ एक्स माइनस जी एक्स होल क्यूब, ये इक्वल तो आएगा ही, दोनों का फंक्शन एफ एक्स इक्वल है, ये बनाया कौन है, इसमें सिंपल है ना। अगर मैं इक्वल फंक्शन लूंगा तो हमेशा सर्टिफाई करेगा ये दोनों, तो बी सी आउट हो गया, इसने ए सी ट्रू दे दिया है, ए डी एक ट्रू दे मोड दिया ना। एक्स ले लेंगे माइनस ऑफ मोड एक्स ले लेंगे तो भी हो जाएगा।
से वन मॉड इनटू एक्स और इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कर मॉड एक्स। सो माइनस ऑफ मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर वो 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आएगा। और माइनस मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वन माइनस मॉड एक्स की कैसे? नहीं सर, इसका इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर तो हमें तो ऐसा फंक्शन लेना जिसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल हो। बताओ, जैसे डोमेन 0 से 1 है, बस इसने कहा है कि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू सेम है, जो भी है मैक्सिमम सेम है फंक्शन का। तो जो भी तरीका, कोई भी फंक्शन ऐसा लोगे ना, हाँ, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो इसीलिए देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है, तो क्या एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन इक्वल होगा। और मैं लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर या एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में? True। तो हो तो गया भाई, एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऑप्शन में तो फॉर सम ही लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल तो लिखा नहीं है, तो बी सी ट्रू हो गया, फॉर सम है। तो चूंकि एफ एक्स और जी एक्स हमेशा इक्वल होगा कुछ एटलीस्ट वन पॉइंट पे 0 1 में, तो बी सी वही तो कह रहा है, ए और डी ऑप्शन यही कह रहा है ना। अब मान लो ये दोनों यस इक्वल सर, है, तो यस क्या सर। बी सी ये आ नहीं जाएगा ए और डी? अरे भाई तो क्या कंफ्यूजन है, नेक्स्ट बताओ, यस नेक्स्ट सर, यस सर, पर्सन। समझ गए सर।